So friends, back to it with the new context. Today is the second day in Taiwan. अभी जो मैं शो देख के आया ना वो पूरा दिमाग हिला देने वाला शो था. एक विलियम कंट्रीज का फर्स्ट टाइम मैं एक फिजिकल शो देखा. एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो ताइपे का फाइन आर्ट म्यूजियम है वहाँ पे मैं गया था अभी. मतलब फिजिकल शो मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब इतना विजुअल अगर इंटरप्रिटेशन कर रहा है, इतना विजुअल अगर नरेशन कर रहा है वो है विलियम कंट्रीज. क्योंकि इतना कुछ डायनेमिक है उसके काम में, बाप रे. और जो काम वो वीडियो करता है उसी काम के ही वर्क को वो डिस्प्ले करता है. मतलब इतना क्रिएटिव, इतना अच्छे से विजुअली रिप्रेजेंट करना, मतलब आउटस्टैंडिंग. कि मतलब तुम यू कान इमेजिन व्हाट्स गोइंग ऑन. मतलब एक के बाद एक स्टोरी लेके आ रहा है, एक के बाद एक नरेशन लेके आ रहा है. मतलब क्या ही बोलूँ, इतना इंस्पायर किया ना अभी विजुअल जो शो किया. तो करेंटली राइट नाउ आई एम हेयर एट टाइपे फाइन आर्ट म्यूजियम. यहाँ पे मतलब क्रेजी लेवल का शो हुआ देखा. मतलब दिमाग कुछ अलग ही हो गया. तो ये पूरा एनवायरनमेंट ऐसा है. सो हेलो फ्रेंड्स, सो ब्लॉग की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं. ये में एक मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से हम जाएंगे टाइपे फाइन आर्ट म्यूजियम में. एक्चुअली आप अगर मेट्रो से आप ट्रैवल करोगे वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है. आप वो मेट्रो से ट्रैवल करने के लिए आपको एक ईजी कार्ड बनाना पड़ेगा, जो आप बना के फिर वहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पे भी. तो वहाँ का ये पूरा इवनिंग का सीन है जो बहुत बढ़िया था. उस मोमेंट को पूरा एंजॉय करके जा रहे थे. तो वो ज़्यादा दूर नहीं है एक्चुअली, वो पास में ही है. तो पता नहीं क्यों जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ मुझे आउटसाइड का लुक्स बहुत एंजॉय करता हूँ. तो ऐसे करते करते हम लोग जा रहे थे. यहाँ पे लोग इतना डिसिप्लिन फॉलो करता है ना. जैसे मान लो यहाँ आपका बगल में सीट खाली है, हम लोग क्या करते हैं, हम पैर फैला के बैठते हैं. ये लोग ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे सीट है सिर्फ उसी जगह पे ही बैठते हैं, बाकी जगह पे बैठते नहीं है वो लोग. सो एंटर करने के लिए आपको एक पास लेना पड़ेगा. ये रहा पीजे गया है पास लेने के लिए. आपको इंट्रोड्यूस करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद. का शो लगा हुआ है यहाँ पे, देखो कुछ वर्कशॉप चल रहा है ड्राइंग का. कुछ ही दिन बचा हुआ है इसका शो. पुराने वो याद आ रहा है हम लोग के स्कूल के दिन. उसका मजा आ रहा है एंट्रेंस गेट. तो ये लोग डिसिप्लिन है ना, मजा आता है. वो जो दौर दिख रहा है लाइट के साथ वो लोग ड्राइंग कर रहा है. ड्राइंग कैसा भी हो. ये हम ऊपर से अभी दिखा रहे हैं, वो यहाँ से ऑलरेडी हम लोग एंटर कर चुके हैं. तो अभी जो शो का जो मेन चीज़ है वो आपको देखने को मिलेगा. और इतना नीट एंड क्लीन और इतना डिसिप्लिन, मतलब ये बहुत बड़ा म्यूजियम है एक्चुअली. यहाँ पे हर टाइम एक्टिविटीज होता रहता है. अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे शो चल रहा है, और शो के लिए कुछ चाइनीज आर्टिस्ट का भी, मैंने ताइवानीज आर्टिस्ट का भी कुछ शो चल रहा है. उसके बाद ये रहा हमारा सर जी विलियम कंट्रीज. तो चलो एंटर करते हैं. यहाँ का जो वीडियो इंस्टॉलेशन है, कितना बैक टू बैक कितना इंस्टॉलेशन लगाया समझ भी नहीं आ रहा है. मतलब आगे भी है, पीछे भी है, उसके बैक साइड भी है. मतलब 15-20 तो उसका वीडियो इंस्टॉलेशन ही लगा हुआ है. और इतना बड़े बड़े लेवल में काम किया है ना, ओ माई गॉड, इतना इंटरेस्टिंग उसने काम किया ना. दो तीन गैलरी के बाद ये गैलरी आता है. यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक स्कल्पचर लगा हुआ है, वो भी कुछ पार्ट्स जैसा लग रहा है. कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करके एक स्कल्पचर बनाया है जो एनिमल फॉर्म जैसा लग रहा है. और ये रहा उसका कुछ ऑयल पेंटिंग जैसा लगा. तो इतना ह्यूज स्टिल लाइफ जैसा कुछ है. लेकिन उसका जो मैक्सिमम जो काम है वो सोशियो पॉलिटिकल इशू को लेकर ज़्यादा काम करता है. मतलब डायरेक्ट जो टैक्स यूज़ करता है ना, इतना बोल्ड टैक्स यूज़ करता है कि लोगों को डायरेक्ट काउंटर करता है कि हाँ ये मतलब डायरेक्टली वो चीज़ों को समहाउ मतलब लोगों को मतलब मैसेज पहुंचा देता है कि हाँ ये कुछ बोल रहा है डायरेक्टली. और वो पता लगता है किसके ऊपर बात कर रहा है. तो ये भी एक वीडियो इंस्टॉलेशन है, वीडियो आर्ट है. ये बहुत ही ख़तरनाक वाला है मुझे लगा. यहाँ पे तो पूरा पॉलिटिकल है ये काम. ये सब जो दिख रहे चारकोल ड्राइंग है, ये सब चारकोल ड्राइंग है. ये बहुत इंटरेस्टिंग. इसका जितना भी चारकोल ड्राइंग आप वीडियो में देखोगे ना, वही चीज़ आपको रियल में मतलब वो काम भी डिस्प्ले किया, उसको में वीडियो भी हो रहा है और ये उसका काम भी हो रहा है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है उसका चारकोल का.
ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ये सब काम मतलब बहुत मीनिंगफुल है। अगर आप प्रेजेंट रहोगे तभी पता चलेगा उसका, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो गैलरी को जैसे डिज़ाइन किया है ना उसने, बहुत इंटरेस्टिंग काम लगाया है। बहुत ऐसा गैलरी में आप शो देखना, मतलब आप लकी हो। ये सब कुछ ब्रॉन्ज का काम है मुझे जो लगा, इतना डायनेमिक, इतना फोर्स है ना काम में, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। यूजुअली लोग डरते हैं ना कि लोग काम स्टेबल होना चाहिए, देखो इसका बैलेंस देखो, पूरा फोर्स है। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग कर लगता है उसका, हर एक काम देखना पूरा फोर्सफुली फोर्स दिखता है उसके काम में। ये सब काम देखो पूरा फोर्स है काम में, तो ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं बहुत ब्लेस फील कर रहा हूँ कि मैं आज इस शो में रहा एज ए बींग ए विटनेस। तो ये सब कुछ काम है उसका, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का काम है उसका। वीडियो काम तो मतलब आप कुछ मत बोलो, उसका वीडियो इनसेन, ही इज़ अ मैथ जीनियस आई वुड से। काम मतलब एक के बाद एक स्टोरी टेलिंग करता है, एक के बाद एक स्विच कर देता है। कब स्विच करेगा आपको, मतलब इतना स्मूथली उसका ट्रांजिशन होता है। और ये सब कुछ और काम है, ये पूरा टेक्स्ट को लेके ही बात कर रहे हैं, इतना सुंदर काम है ना उसका। मतलब आप रहोगे एक एक काम को देखोगे, एनालाइज करोगे खुद से, आप जब वो चीज़ को फील करोगे ना तब मज़ा आएगा। तो ये सब काम देखो, ये एक और गैलरी है, मतलब कितना हिसाब नहीं किया, 5-6 गैलरी तो है ऑलरेडी। और ये जो काम दिख रहा है ना, ये एक्चुअली सेट डिज़ाइन है, उसने कुछ सेट डिज़ाइन भी किया था किसी की मूवी का या कुछ का, कुछ सेट डिज़ाइन किया था, उसी का काम का ये पार्ट है। तो वो यहाँ पे लगाया गया है उसके काम, बहुत इंटरेस्टिंग काम है ये सब। बहुत कुछ मीनिंग हो सकता है इस काम का, मैंने इतना अच्छे से नहीं देखा, लेकिन बाकी उसका वीडियो आर्ट सब मुझे बहुत मज़ा आया, जो पॉलिटिकल इशू को लेके बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये पीजे राइट, पीजे सो पीजे मुझे लेके आया था यहाँ पे फाइन आर्ट, उसमें एक्चुअली वो बहुत सपोर्टिव है मुझे, वो जो मैं जहाँ पे मेरा रेसिडेंसी चल रहा है वहाँ से वो मुझे यहाँ पे लेके आया। तो बहुत थैंक यू पीजे फॉर ब्रिंग मी हियर। तो वो मुझे यहाँ पे लेके आई, तो काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया देख के। तो अभी हम लोग जाएंगे शायद अपने और वहाँ पे रेसिडेंसी जगह पे। तो ये काफ़ी अच्छा रहा मेरा लाइफ का एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस।